सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जवाद हुसैन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपको जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से आज का सारा व्लॉग होगा, जो मुसलमानों की वीडियो होगी पाकिस्तान में शेयर की जाएगी। अभी बस दो तीन मिनट के बाद निकल रहे हैं यहाँ से स्टूडियो से, तो बाकी नीचे पहुँच के तो आपको रास्ते में से मुख्तलिफ व्यूज दिखाएँगे। कुछ लंगर में आज भी होंगे, वो भी आपको साथ साथ दिखाएँगे आप जी। तो अभी निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं जुलूस की तरफ। रास्ते में आकर जुलूस की वीडियो भी साथ कवर करके दिखाएंगे जी। निकल रहे हैं हम, जा रहे हैं नीचे। आज पैदल ही हम मार्च करेंगे क्योंकि जुलूस के साथ फिर मोटरसाइकिल को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नीचे पहुंच के चकवाल के रोडों पे निकलते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि आज कहाँ कहाँ से जुलूस इकट्ठे हो रहे हैं और कौन कौन सी जगह पर हमको अच्छी जगह मिलती हैं जहाँ पर जुलूस अच्छे अवेलेबल है जी। तो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे तहसील चौक के मनाजिर अभी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे जुलूस की तैयारी हो रही है, स्टेज वगैरह लगे हुए हैं। ये तहसील चौक मेन जो स्टेज बनता है जी। तो माशाल्लाह ये अभी एक गली से गुजर रहे थे चकवाल की, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसको सजाए गए नबी के आशिकों ने। इसको बहुत ही मेहनत से इसको सजाया है गली को, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी तो उसे शेयर कर ली जाए, उसको देख सकते हैं। इस नेमत उस्मा का शुक्र शरीर के दायरे के अंदर रह के बजा लाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक और आदे हो। ये मस्जिद हयात नबी मक्की रोड चकवाल, वहाँ के मनाजर आपको दिखा रहे हैं जी। व्यूअर्स आगे हयात नबी मस्जिद के इंतजामिया बैठे हैं मौलाना जैद साहब अफसरान का इस्तकबाल के लिए बाहर आए हुए थे, तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। अभी डीसी साहब पहुंच गई हैं चकवाल के, सब अफसरान बाला साहब आ गए जी। तो चकवाल के तमाम अफसरान बाला पहुँच चुके हैं, मुफ्ती करीम साहब भी मौजूद हैं। अभी तिलावत होगी, नात होगी और दुआ होगी, उसके बाद केक कटेंगे की रस्म। Yeah.
पैसा वगन आवे ये तो कोई बात नहीं मैं डालना फर्ज है भाई यार इसके बाद नहीं आना आगे इधर ही खड़े रहेंगे ये कोई हिलेगा नहीं नहीं आगे नहीं आएंगे पीछे इधर ठीक है तमाम बच्चों से बड़ों से गुजारिश है मस्जिद का तकद्दस है इस केक का भी तकद्दस है क्योंकि ये करीम आका रसूल सलाम से इसकी निस्बत है हमने डिसिप्लिन का मजहरा करना है हमने इस केक का एहतराम करना है और हमारी तस्वीरें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ बन रही हैं बहुत ज्यादा मुकदम है कोई बंदा भी ऐसा काम
सिग्नल को खराब ना करे, आराम को मद्देनजर रखे। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਜਲੂਸ ਦੁਆ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਸੇ मस्जिद या तो नबी के पास से मग्गी रोड से होता हुआ 15 चौक में पहुंचेगा, वहां से मरकजी जुलूस में शामिल होगा। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे बच्चे फूल उठाए खड़े हैं, उनमें इस्तकबाल के लिए बड़े भी बीच में शामिल हैं। इस सोने नदी का जुलूस हो और लंगर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको लंगर में हलवा दिखा रहे हैं, बन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, साथ कौरमा बन रहे हैं। आपको तरगाम रोड बता रहे हैं जहाँ से जुलूस मेन मरकजी जुलूस में गुजरना है, जहाँ से ये वो रास्ता माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिन के सदके में आज करवाने तमन्ना मदीना की तरफ से उम्रा की कुरानदाजी होगी, एक उम्रा टिकट दे दिया जाएगा माशाल्लाह से करवाने तमन्ना मदीना की तरफ से। मौजूद है यहाँ पे ये अभी जो मुस्क आमद है उनमें से माए कराम में से किसी एक आपको पत्ती उठवाई जाएगी, जिसका भी नाम निकलेगा उसको उम्र का टिकट दिया जाएगा। ये आपके लाइव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। दुश्मन उमर जली ओने भी यारो कभी जन्नत नहीं जाना, जिन्हों नहीं प्यार उस्मान गनी ना उस्मान गनी
आजम ओ भी बड़ा काफर है ओ जड़ा उम्रे का टिकट अनाउंस होने जा रहा है। माशाल्लाह जी मलाबादाबाद के भाई जिनको उम्रे का टिकट निकला मुबारक हो उनको जी। तो माशाल्लाह से मरकजी जुलूस जो है वो चलता हुआ अपने रास्तों से होता हुआ पहुंच गया 15 चौक में जहां पे मुख्तलिफ जुलूस है उनका इंतज़ार कर रहे थे छोटे बड़े। अभी सब जुलूस एक मरकजी जुलूस की शक्ल में मिलेंगे और साथ में इनके तमाम उलमा हज़रात की क़यादत में अपने मुकर्रर रास्ते पे चल पड़ेगा जो यहाँ से भी सीधा जाएगा बोन चौक में वहाँ पे भी आपको मनाज़र लाइव दिखाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो अभी हम बॉन चौक में पहुंच चुके हैं यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं बॉन चौक के मनाज़िर भाई का भी देख रहे हैं आप साथ सामने ख्वाजा फ्लावर पे जा रहे हैं जी भाई से मुलाकात करते हैं इधर। ये सामने हमारे खुरम भाई हैं इनसे हम मुलाकात करने आए हैं ख्वाजा फ्लावर पे अभी यहीं पे जुलूस आने पहुँचने वाला है बस थोड़ी देर में पहुँच जाएगा वो भी आपको यहाँ से दिखाएँगे। जी अभी हम पहुँचे ख्वाजा फ्लावर के यहाँ पे हमारे साथ जवाब भाई मौजूद हैं। जी जवाब भाई क्या हो रहा है आज वो आज बात यहाँ पे न्याज चल रही है वो भी आपको मनाजर दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह जी ख्वाजा साहब सामने खड़े हैं ये मीठे और नमकीन चावल चल रहे हैं यहाँ पर आवाम आ गया जी। तो माशाल्लाह से मरकजी जुलूस जो है वो पहुँच चुके हैं इस भोन चौक में यहाँ पे आपको नज़र दिखा रहे हैं भोन चौक में मुख्तलिफ पहले भी जुलूस जो छोटे गाँव में से आए हुए थे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे बड़े जुलूस का कि वो पहुँचे और माए कराम की क़्यादत में तो फिर उनके साथ मिल के इस जुलूस को आगे चलाएँ। यहाँ पे अभी सब उलमाए कराम आपके सामने गुजर रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ से लंगर में हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन चनों वाले चावल और साथ ज़रदा आया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं माशाल्लाह जी। तो माशाल्लाह से आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त स्टेज आपको दिखा रहे हैं फूलों से सजा हुआ है माशाल्लाह से ये मेन स्टेज मरकजी स्टेज जो बल्दिया वालों की तरफ से बनाया गया है ये बॉन चौक के बिल्कुल करीब ही बल्दिया प्लाजा है उसके बाहर लगाया गया माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त उलमाए इकराम के लिए सजाया गया इसको जो जुलूस अभी अपने रस्ते बोन चौक से इस्लामिया चौक माशाल्लाह जी आपके सामने दिखा रहे हैं मरकजी जुलूस जश्न मिलादन नबी जो मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ अपने मरकजी स्टेज के पास पहुँच चुके हैं यहाँ पे अभी कुछ देर में अपने नाप होगी और फिर इसी तरह जुलूस अपने रस्ते पे रवाना हो जाएगा।
ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਉਲਮਾਏ ਜੀ ਇਹ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। जी वापस स्टूडियो की तरफ आ गए हैं, जुलूस से वापसी हो गई हमारी। ठीक है, अभी स्टूडियो पहुँच गए हैं, वापस स्टूडियो का लॉक लगा हुआ है, खोलते हैं अभी तो आपको अंदर से दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम पहुँच चुके हैं वापस स्टूडियो पे और बहुत थकावट हो चुकी है, पैदल क्यों चले हैं तो थकावट की वजह से अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह व्लॉग तो आपके साथ शेयर भी करना है शाम तक, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ तक आपका और हमारा साथ, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना लाजमी है। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अपना भी ख्याल रखें साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।